मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं अभी भी हूँ तवांग में, मैं भी गुवाहाटी जाऊँ और गुवाहाटी से शिलोंग या फिर तेजपुर जाऊँ और तेजपुर से मैं भी नागालैंड की तरफ। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे थोड़े बहुत बादल हैं बट बाकी बाढ़ क्लियरली दिख रहे हैं। वो देखिए पीछे बाढ़ में बर्फ़ पड़ी हुई है। ये यहाँ का किचन है और ये बन रही है मछली का अचार। अभी यहाँ से खाना रखा हुआ है और ये है बैसाखी भाई। सो तवांग में मैं जिस हॉस्टल में ठहरा था, ये यहाँ का सबसे पहला हॉस्टल है। अभी इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे बने हुए एंड इसके बनने के पीछे भी एक स्पेशल स्टोरी है, तो वो अभी बैसाखी भाई और नवांग भाई दोनों बताएंगे। ये बैसाखी भाई हैं, ये हरियाणा से एंड ये नवांग भाई ये तवांग से। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड मेरी तरफ से आप सबको वेलकम फ्रॉम लैंड ऑफ लामा। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मैं भी एक सोलो ट्रैवलर था, तो सोलो ट्रैवल करते करते मैं इधर तवांग में आया। तो जब मैं तवांग में आया तो यहाँ में बहुत कम ऑप्शन था एक सोलो ट्रैवलर के लिए, एक बजट ट्रैवलर के लिए। तो मैंने मेरे को नवांग भाई मिले एक 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 काउच सर्फ के थ्रू। देन हमने इनको अपना आइडिया बताया कि हम ऐसे करके कुछ कर सकते हैं, ऐसे इस हॉस्टल की शुरुआत हुई। और अभी हमें ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं खोले हुए, तो अगर मेरा दोस्त, कोई भी दोस्त, भाई का दोस्त, कोई भी इनका वीडियो देखता है, अगर कोई आए और वो चाहता है कि उसको तवांग घूमना नहीं है मतलब बल्कि जीना है उसको, तो आप इस हॉस्टल में आना। हमारे भाई नवांग है जो कि यहाँ के लोकल है, हर चीज़ का इनका इनको एक्सपर्टिस बोल सकते हो आप, हर लोकल का। अभी आप इनसे बात कीजिए, ये आपको बढ़िया वाला एक्सपीरियंस बताएंगे यहाँ के बारे में। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, आइए हमारे तवांग में आप सब। हम चाहते हैं कि हमारे तवांग को आप अच्छी तरह से देखें। मेरा फर्स्ट मकसद ये रहेगा कि लोग आते हैं, मतलब यहाँ सबके पास होटल्स है, बहुत अच्छे अच्छे होटल्स है, तो हर एक वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब 2 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा, तवांग को अच्छी तरह अगर देखना है तो मतलब 1 वीक तो जैसे भी चाहिए। तो हम तवांग को अच्छी तरह दिखाने के लिए मैंने ये एक रिजनेबल रेट रखा है कि तवांग को अच्छी तरह देख सकता है। और हम चाहते हैं कि हम मेरा ये तवांग, हमारा ये एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसको पूरा दुनिया जाने, आके रुके और जो हमसे बन पाएगा, अभी स्टार्टिंग है और अच्छी तरह करने का कोशिश रहेगा। हाईलाइट करना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे तवांग में कोई भी आता है तो मोस्टली वो तवांग मोनेस्ट्री और बुमला पास का ही रहता है उसके माइंड में, या फिर वॉर मेमोरियल। बट यहाँ पे बहुत सारी जगह है और बहुत अच्छी अच्छी जगह है जो कि बहुत ही ऑफ बीट है, जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाता। तो अगर आप यहाँ आओगे तो नवांग भाई आपको वन बाय वन एक एक चीज़ बताएगा और आपको काफ़ी अच्छा फील होगा वहाँ पे। चलो, थैंक यू बैसाखी भाई, थैंक यू नवांग भाई, थैंक यू। बाकी यहाँ की अभी तक मैं जितनी भी जगह गया हूँ, यहाँ की हॉस्पिटैलिटी सबसे बेस्ट थी और यहाँ पे आके आपको लगेगा कि आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, लाइक काफ़ी अच्छा एनवायरमेंट है यहाँ पे। सो फाइनली मैं अभी हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है, काफ़ी मज़ा आया है यहाँ पे, लाइक पूरा लाइक फैमिली जैसा एनवायरमेंट था। और ये भी था कि लोकल लोगों से बात करने का मौका भी मिला यहाँ पे। सो अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड है यहाँ पे, जो महात्मा बुद्ध का स्टैचू है यहाँ पे, उसके आसपास ही है। बाकी यहाँ पे रोड की कंडीशन थोड़ी सी बुरी है बट यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। फिर से वो शॉर्टकट मिल गया जिससे मैं उस दिन आया था, अदरवाइज पूरा वहाँ से घूम के जाना पड़ता। बाकी अभी भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, लाइक थोड़े बहुत बादल है बट यहाँ पे बस की लाइक फुल है, लाइक सीट है नहीं। तो एक्चुअली यहाँ पे जहाँ पे बस से बुक करने के लिए आपको थोड़ा और आगे आगे से लेफ्ट होके यहाँ पे आना पड़ेगा। तो एक्चुअली वहाँ पे आकर आपको पूछना पड़ेगा कि आपको बस बुक कहाँ से होती है। कोई नहीं, देखते हैं अभी, नहीं तो कैबिन में जाएंगे। ये वाली शॉप है जहाँ से एक्चुअली में बुकिंग होती है, नेफा वॉच एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ बस स्टैंड के पास आके वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई आया नहीं या जो जिसने बुकिंग की थी वो कैंसिल हो जाए तो उस केस में सीट मिल जाएगी, अदरवाइज़ मैं भी कैबिन में चला जाऊँ। चलो देखते हैं। बस में सीट तो मिली नहीं और कैबिन भी ऑलमोस्ट फुल था। सो अभी देखता हूँ अगर तेजपुर के लिए कोई
शेयरिंग टैक्सी मिलती तो ठीक है। मैं टैक्सी स्टैंड गया था, वहाँ से टैक्सी अच्छी निकल चुकी थी तेजपुर के लिए। सो अब क्या हो रहा है कि अब यहाँ से एक और टैक्सी लेके जा रहा हूँ उस टैक्सी को पकड़ने के लिए। जहाँ से मैंने अभी वो टैक्सी ने वहाँ तक छोड़ा है, तो वहाँ से आगे मैं सुबह में जा रहा हूँ तेजपुर के लिए। अभी भी मैं जंग में ही हूँ। अरे जंग काफ़ी बड़ा लाइक टाउन या सिटी है, पर अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रुके हैं 10-15 मिनट के लिए, और थोड़ी बहुत बारिश पड़ रही है। तो यहाँ पे ऑर्डर किए 22 थाली, लाइक 100 रुपीज़ की थाली मिलती है, वही अनलिमिटेड बुफे टाइप सिस्टम होता है। खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, और लाइक ये यहाँ पे ऑयल ज़्यादा डालते नहीं है, यहाँ पे कुछ मसाले थोड़े डिफरेंट से होते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। और ये देखिए कितनी ज़्यादा बर्फ है वहाँ पे, फॉग वगैरह सब है। किसी मैंने पूछा भी यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए नहीं जाते हैं, बट मुझे पहले लगा था कि जाते हैं। फोन के कैमरे में काफी साफ दिख रहा है स्नोफॉल भरा वाला है, ये लो भी लगा हुआ है, बाहर निकलने वाला ना। एक बार में जबरदस्त खर्चा है ना। सिलेटो इस जगह का नाम है लुंगरोम। ये देखिए कितने खूबसूरत बादल हैं पहाड़ों पे। बाकी बारिश है, और दूसरा रास्ते में काफ़ी बर्फ़ थी, और काफ़ी पोर्शन तक लाइक सेला पास काफ़ी लंबा था, यहाँ पे पूरे टाइम बर्फ थी, और लाइक उससे आगे भी से बारिश ही बढ़ रही है।
अभी शाम के 8 बज चुके हैं और रिक्शे पे क्या हुआ कि एक रिक्शे के अपने रोड का साइज़ देखे है, ये ऑलमोस्ट 1.5 लेन है। सो क्या हुआ था कि रास्ते में वहाँ पे एक पेड़ गिर गया था, जिस वजह से वहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ा। और अभी हम अराउंड 32 किलोमीटर्स या अराउंड 25 किलोमीटर्स हैं तेजपुर से। सो अभी यहाँ पे डिनर कर लिया है। सो अभी मैंने होटल भी बुक कर लिया, मैंने वहाँ पे ओयो के थ्रू बुक किया है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी काफ़ी सस्ता मिल रहा था। सो अभी वहाँ जाके देखते हैं। उसके रिव्यूज़ तो कुछ थोड़े लाइक कन्फ्यूजिंग टाइप है, बट जब वहाँ जाके अब देखते हैं कैसा रहता है। बाकी यार टाटा सुमो में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं, बस में लाइक काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू टाटा सुमो। सो चलते हैं अब होटल चल के बात करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं हूँ अभी तेजपुर में, रात को 10 बजे यहाँ पहुँच गया था। एक्चुअली मैंने कल यहाँ तेजपुर पहुँचने से पहले मैंने ओयो रूम बुक किया था, तो वहाँ पे कुछ स्कैम हो गया था जिसकी मैं एक्चुअली में सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। सो फिलहाल मैं अभी बस स्टैंड के पास ही कोई होटल वगैरह था, क्योंकि रात को 11 बज चुके थे, तो मैंने फिर पास में एक होटल था वो बुक कर लिया था। सो अभी तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं काजीरंगा नेशनल पार्क जाऊँ या सीधा नागालैंड जाऊँ। सो अभी देखता हूँ बसेस के अवेलेबिलिटी पे और जीप सफारी की टाइमिंग के बेस पे मैं अभी डिसाइड करता हूँ। बाकी जो स्कैम हुआ था ओयो का, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और उसको मैं लाइक प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। सो फिलहाल अभी फ्रेश हो गया हूँ मैं, अब जाके ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर डिसाइड करता हूँ कि कहाँ जाना है।